Hello friends, welcome to LearningSTAN, learn to know and know to learn. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसे TCS के पैटर्न के आधार पर फ्रेम किया गया है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए और मेरे द्वारा बताए हुए आंसर से मैच कराइए। यदि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो या किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमारे सब्जेक्ट वाइज वाले लेक्चर को देख सकते हैं। वहां हमने लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाया है, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहता है कि Which of the following is not a part of steam power plant? यानी कि इनमें से कौन सा steam power plant का part नहीं हो सकता है? और हमारे पास चार options हैं। Option A में given है switch yard, option B में given है as precipitator, option C में given है draught fan, option D में given है surge chamber। तो इन चारों में से surge chamber steam power plant का part नहीं होता है, so option D will be the correct answer। Okay? Now, next question देखिए, question number 2, यह कहता है कि in a CRO, when set for internal trigger, which of the following statement is correct? और हमारे पास चार options हैं। Option A में given है, trigger circuit receives input from the vertical amplifier. Option B में given है, trigger circuit receives input from the horizontal amplifier. Option C में given है, trigger circuit will input vertical amplifier. और ऑप्शन डी में गिवन है ट्रिगर सर्किट विल इनपुट हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिगर सर्किट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द वर्टिकल एम्पलीफायर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यह कहता है कि एट एफ इज इक्वल टू डैश हर्ज अ सीरीज आरएलसी सर्किट ऑपरेट्स एट यूनिटी पावर फैक्टर। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है 1/√LC, ऑप्शन बी में गिवन है 1/LC, ऑप्शन सी में गिवन है 1/2π√LC और ऑप्शन डी में गिवन है 1/RC। तो हमें पता होना चाहिए कि एक सीरीज आरएलसी सर्किट यूनिटी पावर फैक्टर पे तभी ऑपरेट कर सकता है जब उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ओके, तो यानी कि इस क्वेश्चन में हमें सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है। यदि इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बारे में पूछा होता, तो हम आंसर बताते रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 1/√LC और इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही होता। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी एफ के बारे में पूछा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट विल बी इक्वल टू 1/2π√LC होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यह कहता है कि एरर दैट अकर्स आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ ऑल ग्रॉस एंड सिस्टमेटिक एरर्स इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑप्शन बी में गिवन है लिमिटिंग एरर, ऑप्शन सी में गिवन है एनवायरमेंटल एरर और ऑप्शन डी में गिवन है रैंडम एरर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैंडम एरर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यह कहता है कि द मोस्ट कॉमनली यूज मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी में गिवन है हैवी वाटर, ऑप्शन सी में गिवन है ऑयल, ऑप्शन डी में गिवन है ऑक्सीजन। तो हमें बताना है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसे हम कॉमनली यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा हैवी वाटर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यह कहता है कि द स्कीमेटिक सिंबल फॉर NPN ट्रांजिस्टर इज व्हाट। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल बताना है, तो आप चारों सिंबल को देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, यह कहता है कि 1 lumen/m² इज टर्म्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है 1 lux, ऑप्शन बी में गिवन है कैंडल पावर, ऑप्शन सी में गिवन है MHCP और ऑप्शन डी में गिवन है MSCP। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 lux, क्योंकि लक्स इज इक्वल टू ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव पावर फैक्टर, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन बी में गिवन है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी में गिवन है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, और लास्ट ऑप्शन में गिवन है अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड। तो हमें बताना है कि इन चारों में से किसे हम यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव कराने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, यानी कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, यह कहता है कि द इफेक्ट ओइंग टू विच अ कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सर्फेस एज कम्पेयर टू द कोर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, और हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में गिवेन है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ऑप्शन बी में गिवेन है स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी में गिवेन है कोरोना, ऑप्शन डी में गिवेन है फेरेंट इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्किन इफेक्ट, यानी कि इसी इफेक्ट की वजह से कंडक्टर में करंट की डेंसिटी कोर में कम होती है जबकि आउटर सरफेस पे ज्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवेन है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी में गिवेन है फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू, ऑप्शन सी में गिवेन है फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ऑप्शन डी में गिवेन है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यह कहता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेरड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो आप इस सर्किट को देखिए, यहाँ पर गिवन है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, जबकि इस सर्किट में 100 वोल्ट का एक सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है। तो यदि आप इसे व्हीटस्टोन ब्रिज के नजरिए से देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जेड वन इंटू जेड फोर विल बी इक्वल टू जेड टू इंटू जेड थ्री होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो ब्रिज है वो बैलेंस है। तो हम जानते हैं कि इन केस ऑफ बैलेंस ब्रिज इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं मार्क करके करंट जीरो। तो जब ब्रांच सीडी में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि यह ब्रांच बिहेव कर रहा है लाइक ओपन सर्किट। तो इसलिए आप इस ब्रांच को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब आप इस 10 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव करिएगा तो आपको सर्किट कुछ इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पर होगा 5 माइक्रोफेराड, यहाँ होगा 10 माइक्रोफेराड, यहाँ है 5 माइक्रोफेराड और यहाँ पर है 10 माइक्रोफेराड। ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी। तो अब आप आसानी से पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व करिए, इसका आंसर होगा सी इक्विवेलेंट विल बी 6.66 माइक्रोफेराड, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यह कहता है कि At 20 degree Celsius, a wire has resistance of 30 ohm. The temperature coefficient alpha is equal to 0.00305 per degree Celsius. Then what will be the resistance of that wire at 30 degree Celsius? और हमारे पास चार options given हैं। तो इस question को solve करने के लिए आप एक formula use करिएगा। R1 is equal to R0 into 1 plus alpha into T1 minus T0. यहाँ पर टी नॉट होगा 20 डिग्री सेल्सियस, T1 होगा 30 डिग्री सेल्सियस, R0 होगा 30 ओम। तो आप R1 को फाइंड आउट करिएगा तो आपको आंसर आएगा R1 इज नियर अबाउट 31 ओम, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, यह कहता है कि टर्बो अल्टरनेटर्स हैव रोटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए में गिवन है रोटर ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ, ऑप्शन बी में गिवेन है रोटर ऑफ लॉन्ग डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ, ऑप्शन सी में गिवेन है रोटर ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड स्मॉल एक्सियल लेंथ, ऑप्शन डी में गिवेन है रोटर ऑफ लॉन्ग डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्बो अल्टरनेटर्स हैव रोटर ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड
लॉन्ग एक्सियल लेंथ, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, जब आप हमारे सब्जेक्ट वाइज वाले लेक्चर को देखिएगा तो वहां पर मैंने सिंक्रोनस मशीन वाले चैप्टर में इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि टर्बो अल्टरनेटर के केस में ऐसा रोटर हम क्यों लेते हैं। तो और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यह कहता है कि डीसी मोटर्स शुड बी स्टॉप्ड बाय ओपनिंग द लाइन स्विचेस एंड नॉट बाय फोर्सिंग द स्टार्टर हैंडल बैक टू द ऑफ पोजीशन बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग। और हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन में कहता है कि हैवी स्पार्किंग अकर्स एट द ब्रशेस, और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हैवी स्पार्किंग एट द फर्स्ट स्टड ऑफ द स्टार्टिंग रेसिस्टेंस स्टेप्स। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, तो हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट है। यदि आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे डीसी मशीन वाले चैप्टर को देख लीजिए, वहां पर मैंने इस सेम क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि इसमें सेकेंड स्टेटमेंट ही सही क्यों है। ओके, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस अकरिंग इन अ ट्रांसफार्मर कोर। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए में गिवन है K इंटू बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर वी। ऑप्शन बी में गिवन है K इंटू बी एम स्क्वायर एफ इंटू वी। ऑप्शन सी में गिवन है K इंटू बी एम टू दी पावर 1.6 इंटू एफ टू दी पावर 1.6 इंटू वी। ऑप्शन डी में गिवन है K इंटू बी एम टू दी पावर 1.6 इंटू एफ इंटू वी। यहाँ पर V होगा ट्रांसफार्मर कोर का वॉल्यूम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यह कहता है कि द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% एंड रिएक्टेंस ड्रॉप 5% एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज व्हाट। तो यहाँ पर हमें R पर यूनिट की वैल्यू गिवन है विच इज 1%, X पर यूनिट की वैल्यू गिवन है 5% और cos phi की वैल्यू गिवन है 0.9 लैगिंग। तो वोल्टेज रेगुलेशन विल बी इक्वल टू R पर यूनिट cos phi प्लस X पर यूनिट sin phi। यहाँ पर आप वैल्यूज को पुट करिएगा तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू आपको मिलेगी 3.08%, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 यह कहता है कि अज्यूम दैट द गिवन फिगर इज ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फाइंड द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। और हमारे पास एक आइडियल ऑप एम्प का फिगर गिवन है, तो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। यानी कि इस आइडियल ऑप एम्प का सबसे पहले हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप देखिए, चूंकि यह आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसलिए यहाँ का करंट होगा 0 और यहाँ का करंट भी होगा 0, यानी कि ऑप एम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इस ब्रांच का करंट 0 है तो इसका मतलब इस 100 किलो ओम वाले रेसिस्टर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप विल बी 0। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है इनपुट वोल्टेज VI, तो यहाँ का वोल्टेज हो गया VI। जब इस रेसिस्टर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का भी वोल्टेज हो जाएगा VI। ओके, बाय यूजिंग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वी कैन से दैट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ऑल्सो VI, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज अगर VI है तो यहाँ का भी वोल्टेज VI होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज शॉर्ट सर्किट, तो जब इस नोड का वोल्टेज VI है तो यहाँ का वोल्टेज भी होगा VI। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है V0 वो है VI के इक्वल। तो आप लिख सकते हो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन विल बी इक्वल टू V0 अपॉन VI इज इक्वल टू VI अपॉन VI। सो VI अपॉन VI दिस विल बी इक्वल टू 1। तो क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन इज 1। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 यह कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो आप रेसिस्टेंस का डायमेंशन फाइंड आउट करिए। रेसिस्टेंस R होता है V डिवाइडेड बाय I। यहां से हम वोल्टेज को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो यहां से आप फोर्स का डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए, चार्ज का डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो दिस विल बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन क्यू, और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा एल। तो फाइनली यहां से आपको वोल्टेज का डायमेंशन मिल गया, विच विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय क्यू। तो अब हम करंट का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, तो करंट का डायमेंशन भी यही हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय टी। तो हमें अब वोल्टेज का डायमेंशन पता चल गया, करंट का डायमेंशन पता चल गया, तो इन दोनों को आप यहां पर पुट करिएगा, तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन आपको मिल जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर टी। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन ए में गिवन है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर टी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यह कहता है कि द करंट वेवफॉर्म इन अ प्योर रेसिस्टर ऑफ 10 ओम इज शोन इन द फिगर बिलो, पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर इज व्हाट। और हमारे पास एक करंट वेवफॉर्म गिवन है जो कि शॉर्ट टूथ नेचर का है, तो हमें फाइंड आउट करना है पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टर ऑफ 10 ओम। तो पावर की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू आर एम एस करंट स्क्वायर इंटू आर, यानी कि जो करंट का वेवफॉर्म हमें गिवन है उससे हम आर एम एस करंट फाइंड आउट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू से। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए कि वेवफॉर्म अगर जो शॉर्ट टूथ हो या फिर ट्रायंगुलर हो, दोनों ही तरह के वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू होगा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट थ्री। तो इस वेवफॉर्म में देख लीजिए, शॉर्ट टूथ करंट वेवफॉर्म का पीक वैल्यू है 9, तो इसलिए इसका आरएमएस होगा 9 डिवाइडेड बाय रूट थ्री। तो अब आप पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं, पी विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर इंटू 10। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 270 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यह कहता है इफ एन एनर्जी मीटर डिस्क मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 10 मिनट्स व्हेन अ लोड ऑफ 600 वॉट इज कनेक्टेड टू इट, द मीटर कांस्टेंट इन रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर इज व्हाट। और हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ पर मीटर कांस्टेंट के की वैल्यू आएगी 100 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।